में एक ही प्रकार का डाटा यूज कर सकते हैं कि मल्टीपल प्रकार मल्टीपल यूज कर सकते हैं एरे में। देखो मेरे पास जैसे मैंने आपको सिखाया था कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, हमने सीखा था लेट ए इज इक्वल टू राहुल, ठीक है, ये आपको आता है ना। ऐसे ही एक एरे भी बना सकते हैं हम, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा जाएगा ये वाला सेक्शन, और इसमें लिख दिया मैंने राम कॉमा डबल कोट्स श्याम कॉमा मनोज कॉमा दीपक कॉमा और अजय कॉमा जीतू, ठीक है आगे क्या। अच्छा प्रीति पी आर डबल ई टी आई है ना, चलो तो हमने ये नाम रख दिए यहाँ पे। अब मुझे प्रिंट कराने हैं इसे, तो देखो प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट आ गया, और इसे हमने बंद कर दिया। अब जरा रन करके देखते हैं हम फाइल, तो अभी देखो क्या हो रहा है, सारे प्रिंट हो रहे हैं, आगे समझ में। तो जावास्क्रिप्ट में इंटीजर इंटीजर टाइप होता है कि नंबर होता है, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। तो देखो ये आगे समझ में, अगर नंबर लिखने होते तो कैसे लिखता, कॉमा स्ट्रिंग कॉमा ऐसा डबल कोट में लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अभी ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये क्या नंबर है इंटीजर, और ये हो गया हमारे स्ट्रिंग, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो रहे। तो एक साथ हमने क्या करा, सारा डाटा स्टोर कर दिया। अब आते हैं मुझे ना प्रिंट कराना है सिर्फ किसको, मनोज को। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसके अंदर स्टूडेंट लिखा, इसके बाद की दे देनी है 0 1 2, जीरो से स्टार्ट होता है, मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, तो मनोज प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अगर 3 लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, दीपक प्रिंट हो जाएगा। अगर हाँ 6 लिखूंगा तो यहाँ पे प्रीति आ रही है, और 5 लिखने के बाद जीतू, और लिखने पे ये आ रहा है अजय, ठीक है, आया समझ में। तो यानी आप की कैसे कैच कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एरे लिख सकते हैं। एरे लिखने का ये तरीका है, एरे बनाने के 2 तरीके होते हैं, एक तरीका ये हो गया हमारा एरे का, एक तरीका वैसे और भी है, उसमें क्या करना होता है, लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू, ठीक है, एरे ब्रैकेट में डबल कोट्स राम कॉमा श्याम कॉमा दीपक, और इसे बंद कर देते हैं। तो यहाँ क्या आ रहा है, शाम प्रिंट हो रहा है, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नहीं लगाता इसे तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसका सेक्शन चेंज है सर, इसका सेक्शन चेंज है जो आप मैं इसमें जो लगाने का क्या नहीं हो तरीका, बस थोड़ा चेंज है इसमें, एरो लिखा हुआ है इसमें, बस ब्रैकेट लगाने, ठीक है। तो एक सिंबल एरे का, हाँ तो एरे का यूज समझ में आ गया, इंटरव्यू जरूर पूछ लेते हैं एरे क्या होते हैं। तो व्हाट इज एरे इन जावास्क्रिप्ट, एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है, दिस इज कंपेयर टू अ वेरिएबल दैट कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू इच टाइम इन एन एरे हैज अ नंबर अटैच टू इट कॉल्ड अ न्यूमेरिक इंडेक्स, ठीक है, दैट्स अलाउ टू यू टू एक्सेस इट। तो मतलब हम नंबर से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और क्या कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हमने एरे को यूज करा, मैं यही वाला एरे यूज कर रहा हूँ अभी। इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, ये आ रहे हैं पर कॉमा अलग अलग क्या आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ना ये कॉमा ना लगे, ठीक है, कॉमा की जगह प्लस प्लस के आइकन बन के आए, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं, कैसे करेंगे,
हमें एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, लेट मॉडिफाई। मैंने एक वेरिएबल बनाया मॉडिफाई के नाम से, और इसमें क्या कर देना है, आपने लिख देना है स्टूडेंट डॉट ज्वाइन। ये एक मेथड है, ज्वाइन मेथड, ठीक है। ज्वाइन एक मेथड है, आपने ज्वाइन लिख दिया यहाँ पे, तो अभी कुछ होगा? अभी कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। आपने क्या करना है, डबल कोट्स लगाना है और इसके अंदर लिख देना है प्लस, ठीक है। इससे क्या हो गया, रिफ्रेश करके देखते हैं। अरे अच्छा, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट की जगह क्या लिख देना है, मॉडिफाई लिख देना है, ये ठीक है। अब चेक करते हैं, तो देखो ये क्या हो गया, कॉमा की जगह प्लस आ गए, ठीक है। आ गया समझ में, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ब्लैंक छोड़ने के लिए स्पेस आ जाएगा। हाँ ये देखो स्पेस आ गया, ऐसे ही पहले भी स्पेस देता हूँ, तो ये स्पेस आ गया, समझ में अगर मतलब आया? ये भी ना लिखे अगर जो हाँ, लगाए तो तो इस खाली स्पेस आ जाएगा, वो हट जाएगा, कॉमा हट जाएगा, तो ये देखो ऐसे आ गया, समझ में आया? तो ये क्या है हमारा मेथड मॉडिफाई, ये करने के लिए मैंने कौन सा यूज़ किया, ज्वाइन मेथड, इसे बोलते हैं एरे का ज्वाइन मेथड। अगर मुझे एक के नीचे एक चाहिए होगा तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा दूंगा इसके अंदर, तो एक के नीचे एक आ गए, आ गया ना समझ में? एक बार बी आर लगा दूं, ठीक है, समझ में आ गया? एक ए दो बी आर लग के आ गए, तो अगर आपको बी आर चाहिए होगा तो बी आर भी ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ना, ये लिखा जाए स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, स्पेस लगा दिया। अब क्या हुआ इससे, ये सब के आगे क्या लिखा रहा है, स्टूडेंट नेम श्याम, स्टूडेंट नेम मनोज, इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी आर टैग भी लगा दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट दीपक, स्टूडेंट नेम इस तरीके से आ रहा है, बाद ठीक में है। आ रहा है ना। बाद में आ रहा है क्योंकि मैं इसके बाद में लगा रखा है ना, ज्वाइन स्टूडेंट के बाद ज्वाइन हो रखा है, तो इस वजह से ये बाद में आ रहा है, तो कोई नहीं, ठीक है। पर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से आप चीज़ों को ऐड कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। उसका भी एक तरीका, वो भी लगा देंगे। तो आपको ये चीज़ समझ में आई ना, तो हमारे पास ये कौन सा है, ये मेथड का नाम क्या है, ज्वाइन मेथड। आप इसमें कुछ भी चीज़ें ज्वाइन करा सकते हो, मैं इसके अंदर जो भी लिखूंगा वो ज्वाइन हो जाएगा, एच आर लिखूंगा एच आर ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना, ये जो मेथड है ना, ये शॉर्ट हो क्या है, मतलब ए वाले वर्ड सबसे ऊपर आए, फिर बी वाले आए, फिर सी वाले आए, इस तरीके से शॉर्टिंग करनी है मुझे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है, तो वो इसकी एक लिस्ट बन जाएगी इस तरीके से। तो देखो हमारे पास है बहुत सारे मेथड है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक कौन सा मेथड बताया, ज्वाइन मेथड बताया, ज्वाइन मेथड हमने यूज़ करा। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब दूसरा मेथड यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, स्टूडेंट डॉट सॉर्ट ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो कुछ हुआ, तो अजय क्या हो रहा है, ऊपर आ गया, फिर दीपक आ गया, फिर जीतू आ गया, फिर मनोज आ गया, प्रीति आ गया, राम आ गया, श्याम आ गया, ठीक है। सीरियल हाँ, तो मैंने क्या करा इसके लिए, पहले मैंने क्या करा, स्टूडेंट एक वेरिएबल बनाया था, फिर स्टूडेंट डॉट सॉर्ट लिख दिया, तो वो सॉर्टिंग हो गई। फिर मैंने क्या करा, मॉडिफाई बनाया था उसको, मैंने एक के नीचे एक ले लिया, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई, सारे के सारे सॉर्ट होके आ गए। अब जितने भी मैं नाम दूंगा ना इसके अंदर, वो सीरीज से ही आएंगे। जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ विनोद, विनोद वर्ड की सीरीज उठाया क्या हाँ, पहले तो वर्ड वर्ड पहले की लिखे। सीरीज से, जयप्रकाश, ठीक है, अंतिम, बस सर ये स्टूडेंट शॉर्ट लिखने से हाँ अंतिम तिवारी, ठीक है। अब जरा चेक करो, तो देखो ए कौन सा आ रहा है, ए पहले आ रहा है, फिर अंतिम तिवारी आ रहा है, फिर विनोद आ रहा है, फिर दीपक आ रहा है, फिर जयप्रकाश, फिर जीतू, और फिर यहाँ पे मनोज, और फिर यहाँ पे हमारा प्रीति और राम और श्याम, ठीक है। तो अगर मैं जेड वाला यूज करूंगा तो क्या होगा,
जोया, ठीक ठीक है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया हमारा, शॉर्टिंग होके आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बी आर टैग भी नहीं लगाऊंगा तो इसमें भी शॉर्ट होके आ जाएगा। मतलब जैसे मैं यहाँ पे भी अगर करता हूँ तो देखो, अच्छा फिर मुझे यहाँ पे नाम क्या देना पड़ेगा, यहाँ स्टूडेंट नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, आप सब, आपको समझ में आ गया होगा ना ये? ऐसे यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? लिस्ट होती है आपके पास, जैसे एडमिन पैनल बना रहे हो उसमें आपको एक बटन लगाना है कि शॉर्ट कर दो, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे शॉर्टिंग हो जाएगी। शॉर्ट चूज करोगे तो रिवर्स करना है, आप चाहते हो कि क्लिक करें रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो उल्टा भी कर सकते हो। मैं जो शॉर्ट करके दिखाया, अभी मैं रिवर्स करके भी दिखाया था। तो देखो मैंने शॉर्ट किया था यहाँ पे किससे, स्टूडेंट डॉट शॉर्ट से। अगर मुझे रिवर्स करना है तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ शॉर्ट की जगह मैंने कर दिया रिवर्स, जो या श्याम राम, इस तरीके से आ गया, ठीक है। आ गया समझ में ये चीज? मैं चाह कह रहा हूँ पर ये तो आए तो ठीक है चलो, पर ना मैं चाह रहा हूँ ये ना जो शॉर्टिंग हो वो ना क्लिक करने पे हो, मतलब यूजर चूज करे तब जाके क्लिक हो, शुरू में ऐसे ही आए, ठीक है। तो मैंने क्या करा इसके लिए, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। चलो पहले ये सारे ये समझ लेते हैं फिर यूज करेंगे उसको। तो ये समझ में आ गया, तो मेथड कौन सा है, शॉर्ट हो गया, रिवर्स हो गया और ज्वाइन मेथड हो गया। ये क्या है, ये एरे के मेथड है, ठीक है। ऐसे ही एक मेथड और यूज होता है, पुश मेथड। पुश मेथड क्या काम करता है, अगर मुझे कोई और ऐड करवाना है, मैं चाहता हूँ कि जब कोई क्लिक करे बटन पे तो एक और स्टूडेंट ऐड हो जाए उसके अंदर, एरे के अंदर, तो एक एरे और स्टोर कराना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड है, पुश मेथड है। तो मैं यहाँ पे ना क्या करता हूँ, ये लिख देता हूँ स्टूडेंट डॉट पुश, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको यहाँ पे डाल दिया और इसके अंदर लिख दिया मैंने नेहा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो यहाँ पे नेहा भी बीच में ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ में? तो पुश मेथड क्या काम करता है, ऐड कराने का काम करता है। तो आप इस तरीके से पुश करा सकते हो, लाइक कोई आपको नया जो है वो स्टूडेंट ऐड करना है, तो आप इस तरीके से पुश मेथड के थ्रू भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा, ऐसे पुश भी है, पुश भी है। स्टार्टिंग तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ मुझे ना यहाँ पे लिखना पड़ेगा मॉडिफाई, है ना, मॉडिफाई डॉट पुश, और यहाँ पे मैंने क्या करा, नेहा लिख दिया, ठीक है। और इसे बंद कर दिया, अब चेक करें काम हो रहा है, तो आ ही नहीं रही है, ऊपर लिख देते हैं। चलो मैंने क्या करा यहाँ पे, इसके बाद शॉर्टिंग के बाद यहाँ पे नेहा लिखा और स्टूडेंट के आगे स्टूडेंट, ठीक है। अब चेक करते हैं, अभी नेहा कहाँ आ रही है, ये देखो लास्ट में आ रही है, आ रही है लास्ट में, क्योंकि हमने रिवर्स भी कर रखा है, रिवर्स कर रखा है। पर ये रिवर्स की वजह से नहीं आ रही, ये इसलिए आ रही है क्योंकि रिवर्स तो हम पहले कर चुके हैं। अगर हम रिवर्स करते इसे तो क्या हो रहा था, ये अब आती ऊपर, देखो ये जो नेहा ऊपर आ रही है स्टार्टिंग में, ठीक है। पर ये इफेक्ट मिलता है क्या वेरिएबल क्या? जो फंक्शन है जो हाँ पहले होगा उससे पहले परफॉर्म नहीं नहीं करेगा? नहीं ऐसा नहीं है, पुश जो होता है वो लास्ट में ऐड करता है, ठीक है। पुश का काम ही है कि लास्ट में ऐड करता है। जब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ रिवर्स, रिवर्स तो सब कुछ हो चुका है, जो नेहा है वो लास्ट में आ रही है पुश से। अगर पुश ना यूज करके आप यूज करोगे, यहाँ पे मैं पुश को कमेंट बनाता हूँ, और आप यूज करोगे यहाँ पे स्टूडेंट डॉट अनशिफ्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे नेहा को यहाँ डाल देता हूँ नेहा, और यहाँ बंद कर देता हूँ इसको। अब चेक करते हैं, नेहा स्टार्टिंग में आ रही है। तो दो होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या करता है, ऐड करता शिफ्ट नहीं है, करेगा, स्टार्टिंग से ऐड नहीं करता है।
ऐड आगे की तरफ करता है और जो पुश है वो पीछे की तरफ एंड ऐड करता करता है। है, वो लास्ट वाले एलिमेंट का ऐड करेगा, वो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट पे ऐड करेगा, ठीक है। तो डटर की को चेंज कर देगा वो। आ गया वो समझ में तुम्हें, है ना। कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 हाँ वेरिएबल है, एरे है हाँ उसमें 25 वैल्यू है, और कोई बोले कि मैं चाह रहा हूँ कि नेहा को 15वें नंबर पे ऐड करूँ, हाँ कर सकते हो उसके लिए भी। इसमें काफ़ी सारे मेथड है, स्लाइस मेथड, अनशिफ्ट मेथड, स्प्लाइस मेथड से आपके बीच में कहीं ऐड कर अगर सकते नेहा हो। को 15वें नंबर पे करना है तो फिर वो सीरियल से नहीं आएंगे ना, फिर हाँ वो सीरियल से नहीं आएगी सीरियल नहीं बिल्कुल, आएंगे, सीरियल नहीं आएंगे तो फिर हमें 15वें नंबर पे नेहा को पटक हाँ देंगे, फिर हमें शॉर्टिंग घटानी पड़ेगी। ऐसे तो जाना पड़ेगा, ऐसे ही कहीं होगा लिखना ना पड़ेगा ना, हाँ 15वें नंबर पे नेहा को रख देंगे, तो ऐसे जाके स्टूडेंट उसमें जो स्टूडेंट है उसमें हमें जाके हाँ लिखना वो कई सारे होगा, मेथड है, स्लाइस मेथड है, स्प्लाइस मेथड है, तो उसके थ्रू हो सकता है वो वो। लोग बोलेंगे कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे करके कोई रिजेक्ट सीरियल कर से दे, नहीं आ पाएंगे, हाँ कोई ये सब है मेथड लगा लियो। सीरियल से हाँ नहीं आएगा, हाँ वैसे बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं वो, धीरे धीरे आता हूँ मैं इस पर, ठीक है। ये समझ में आ गया है मेथड, यस तो आसान है, कुछ नहीं करना, आपने वेरिएबल का नाम लिखना है और शॉर्ट रिवर्स और अनशिफ्ट मेथड यूज़ कर लिया। अगर मैं चाह रहा हूँ लास्ट वाला एलिमेंट जो है ना मुझे डिलीट करना है, ये वाला अजय, अजय को डिलीट करना है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, इसी को कॉपी किया, इसी के नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने अनशिफ्ट की जगह कौन सा, पॉप। ये जो पॉप मेथड है वो क्या करता है, वो डिलीट करने का काम करता है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये अजय जो है वो डिलीट हो गया, ठीक है। फिर डिलीट करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, पॉप यूज़ करेंगे, पर डिलीट आगे से करना था तो क्या करेंगे हम, करना ये लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करता है, है ऐसे पढ़े हुए हमेशा हैं, लास्ट वाले ही लास्ट वाला करेगा, करेगा। यही सब नहीं पता है कि अब आगे से करना है बीच में से करना है हाँ कैसे करना तो देखो ये समझ में आ गया, तो पॉप क्या कर रहा है, डिलीट फ्रॉम लास्ट, लास्ट। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद हम कौन से वाले पे, पुश पे, पॉप के बाद अनशिफ्ट, शिफ्ट मेथड, डिलीट फ्रॉम फास्ट, स्टार्टिंग डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, डिलीट कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, पॉप की जगह होता है शिफ्ट, ये क्या काम करता है, ये फर्स्ट से डिलीट करता है, नेहा को डिलीट करना है, सेव किया, तो देखो यहाँ नेहा गायब हो गई, ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए क्या होता है, डिलीट करने के लिए ये होता है हमारे पास, उसके लिए भी मेथड होते हैं, मैप मेथड होता है, फाइंड मेथड होता है, इंडेक्स मेथड होता है, इंडेक्स ऑफ, हाँ तो इंडेक्स मेथड यूज़ करेंगे। अभी मैं सब पे आ जाता हूँ, उसके लिए मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेगा, ठीक है। ये सारे मेथड समझ में आ गए, शॉर्ट मेथड, रिवर्स मेथड, ठीक है, हमने अनशिफ्ट मेथड देखा, पॉप मेथड देखा, पुश मेथड देखा, ठीक है, और शिफ्ट मेथड देखा। एक और मेथड है इंडेक्स ऑफ, अनशिफ्ट वो करता है ऐड आगे की तरफ, पुश आगे की तरफ ऐड करता है, पुश क्या करता है आगे की तरफ, पीछे की तरफ ऐड कर देता है, और अनशिफ्ट क्या करता है आगे की तरफ ऐड कर देता है। अच्छा एक मेथड और यूज़ करते हैं, उसका नाम है हमारे पास इंडेक्स ऑफ, स्टूडेंट डॉट इंडेक्स ऑफ, मैंने यहाँ पे क्या करा, इसमें डाल दिया, ये कैसे यूज़ करते हैं मैं भूल गया, इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसमें डाला नेहा, ठीक है। और एक बार मैं आउटपुट चेक करता हूँ, कुछ हुआ इससे, नहीं इससे कुछ नहीं हुआ, इंडेक्स ऑफ, इसमें मैं यहाँ पे नंबर डाल के देखता हूँ, 3, तो भी कुछ नहीं हुआ, ये अलग तरीके से यूज़ करते हैं। एक बार देख लेते इसका, इसका नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ मेथड इन जावास्क्रिप्ट। अच्छा ये जो जावास्क्रिप्ट में हम कर रहे हैं वो सब में होगा, मतलब HTML, CSS वो सब में होगा, वो सॉरी PHP, पाइथन सब में सेम यही यूज होते हैं कोड, तो जो अगर आप जावास्क्रिप्ट सही से कर लोगे तो आपको PHP आगे PHP सब ट्रैफिक समझ बढ़ में आ जाएगी। जाएगी, हाँ सर ये ठीक। तो है, तो देखो ये रहा इंडेक्स वाला, तो ये क्या काम कर रहा है, जैसे हमने क्या कर रखा है, कॉन्स्ट बना रखा है, ठीक है, इसने क्या करा, एक इंडेक्स के नाम से बनाया इज इक्वल टू, अच्छा मैंने प्रिंट नहीं कराया इसलिए वो नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्या करा, फ्रूट डॉट इंडेक्स ऑफ कर दिया एप्पल, तो ये क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है, कौन सी पोजीशन हमारी उसकी है, ठीक है। और ये सेकंड क्या बता रहा है,
देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे हमारी पोजीशन बता रहा था, और यहाँ पे बता रहा है बनाना, ऑरेंज, एप्पल, और ये मतलब इसकी कौन सी पोजीशन है। तो ये बता रहा है कि ना जब कोई हम लेट ये रखा हमने, ठीक है, तो स्टार्टिंग एट पोजीशन 3 मतलब थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये देखो ये चीज़ बता रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बता रहा है इसकी पोजीशन कौन सी, 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, एप्पल कौन सा है, 4 नंबर पे, ठीक है। ठीक तो हाँ देखो ना ये रिप्लेस कर देना, एप्पल 2 बार है तो ये लास्ट वाले को कैच करेगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको। तो ये इंडेक्स ऑफ है जो ये बताता है कि ना लाइक कौन से उस पे है, पर इसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ेगा एक और हमें ये वाला, और फिर प्रिंट भी कराना पड़ेगा। तो मैंने प्रिंट नहीं कराया इसलिए मुझे यहाँ शो नहीं हो पाई। तो इंडेक्स ऑफ मेथड, ठीक है। एक मेथड है हमारे पास स्लाइस मेथड। अगर मुझे कोई बीच में से कोई डिलीट करना है, मतलब 4 डिलीट करना है, 5 डिलीट करना है, तो हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस मेथड। एक बार यहीं पे पढ़ लेते हैं, इनके सबके नोट्स बना लेना, यहाँ सबके मिल जाएंगे इसमें, DDD3 School में। स्लाइस मेथड, स्प्लाइस मेथड, स्लाइस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो जब हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या हो गया, अगर हम स्लाइस कर देंगे 1 और 3, यहाँ स्लाइस में हमने क्या करा, 1 और 3 लिख दिया, तो 0 1 2 3, तो ऑरेंज और एप्पल, तो 1 और 3 इनको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्लाइस होके आ जाएंगे, ठीक है, मतलब कट होके आ जाएंगे। तो अगर आपको बीच में से कोई वैल्यू को उठानी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आप चाहो तो कोई बीच में वेरिएबल को रिप्लेस भी कर सकते हो। रिप्लेस करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ना मुझे ना यहाँ पे कौन है, 0, एक बार चेक कर लेते हैं हम इसकी पोजीशन हमारे इसकी, तो ये देखो रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से आ रहे हैं। तो अभी जोया क्या हो रही है, सबसे ऊपर आ रही है सबसे ऊपर, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जोया की जगह ना मुझे जुबेर लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यू सेट करेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे लिखना है आपने। नंबर क्या था उसका, 0 ना। स्टूडेंट डाटा की क्या थी इसकी, 0 इज इक्वल टू है, ब्रैकेट लगाना है, इसका नाम दे दिया मैंने जुबेर, ठीक है, और बंद कर देना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ जोया की जगह क्या हो गया, जुबेर चेंज हो गया। तो आप इस तरीके से किसी की पोजीशन को रिप्लेस करना है तो आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है ना वो बैकएंड में ज़्यादा काम आती है, मतलब अगर आप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, डाटाबेस के साथ काम कर रहे हो, आपको लिस्टिंग शॉर्ट करवानी है, तो उन सब में हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करवानी है, आपको चीज़ें पिक करनी है, आपको कोई ई कॉमर्स बना रहे हो, तो उस सब में हम ये सब यूज़ करेंगे, कंडीशंस के साथ काम करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस है, ये एरे जो है हमारा इस तरीके से यूज़ कर रहे। तो अभी आपने इतने मेथड को यूज़ करके देखना है, ठीक है, अभी तो क्या हम लोग को दिख जा रहा है कि मतलब कि चीज। अभी तो हम लोग को वैल्यू दिख रही है कि इतना ही है, लेकिन हाँ वैसा होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा वैल्यू रख दिया है तो हाँ उसमें से काउंटिंग तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। नहीं, उसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं कि फर्स्ट कौन सा है, लास्ट कौन सा है, या कोई अगर पर्टिकुलर मुझे अंकित अंकित को लेके आना है तो हम मैप फंक्शन से वो भी कर सकते हैं, अंकित अंकित को पिक करके ला सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है एरे को यूज़ करने का। आप एरे के साथ लूप भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहते हो सबके रोल जैसे नंबर। उसमें लिखा हुआ था हाँ डबल एप्पल करके दो जगह लिखा हुआ था, हाँ हमें किसी एक को मतलब जैसे कि दो बंदों के नाम लिखे सेम देना है, है, हाँ दोनों उठ के आ किसी जाएंगे। एक को डिलीट करना है हाँ तो आप उसकी ना वैल्यू दे, उसकी इंडेक्स वैल्यू दे सकते हो, इंडेक्स 0 जो भी नंबर के है, हाँ हिसाब नंबर के हिसाब से, तो उनको स्लाइस करवा सकते हो। तो काफ़ी सारे मेथड है, अभी ये वाले मेथड करके देख लेना ऐसे, अभी 10 12 मेथड और भी है, तो अभी सारे मेथड यूज़ करके देखो, फिर मैं आपको इसमें ना प्रोग्राम बना के मतलब एक फिल्टर लिस्ट बना के दिखाऊंगा। इसमें 10 12 हो रहा है तो हाँ अभी और अभी है, ठीक है, तो कल भी वही कल करा देना, फिर भी यही वही करा बना दूंगा। देंगे। हाँ तो इसमें आपने क्या करना है, जितने मैंने अभी मेथड बनाया ना आपको उतने यूज़ करके देखना है, ठीक है। फिर मैं इसमें ना एक ना आपको टेबल को शॉर्ट करना और ये सब सिखा दूंगा, ठीक है। ये होता नहीं है जैसे हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं और शॉर्टिंग करते हैं तो सारे जितने भी पहले प्राइस वाले प्रोडक्ट है वो ऊपर आ जाते हैं, हाँ तो वो सब हम इसी मेथड से यूज़ करते हैं, ठीक है।